फिल्मफेयर अवार्ड्स का इंतजार सेलेब्स और फैंस को हमेशा रहता है। वहीं साल 69th फिल्मफेयर अवार्ड्स की चर्चा बीते कुछ दिनों से हो रही है कि कौन कौन सी फिल्म इस खिताब को हासिल करेगी। वहीं शनिवार को गुजरात में एक इवेंट के साथ में इस अवार्ड शो की शुरुआत हो गई, जिसमें सैम बहादुर ने बेस्ट साउंड डिजाइन, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन सहित तीन टेक्निकल कैटेगरीज में जीत हासिल की। शो के होस्ट की जिम्मेदारी अपार शक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने 69th फिल्मफेयर अवार्ड सेरेमनी में संभाली है। वहीं अब सिनेमेटोग्राफी, स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम और एडिटिंग सहित टेक्निकल कैटेगरीज के विनर्स की लिस्ट सामने आ गई है, तो चलिए एक नजर इन पर डालते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गणेश आचार्य ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में वॉर्ड झुमका गाने पर अपने काम के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड हासिल किया। वहीं 12वीं फेल ने बेस्ट एडिटिंग की ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि शाहरुख खान के जवान को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट विजुअल और बेस्ट एक्शन का विनर चुना गया। इसके अलावा एनिमल को बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का सम्मान मिला। इतना ही नहीं, बेस्ट साउंड डिजाइन का अवार्ड एनिमल और सैम बहादुर दोनों को मिला है। इन सारी फिल्म्स को मिले अवार्ड पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी शोबिज के साथ।